उचक्कागिरी की घटना का किया सफल अनावरण, 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 6000 रुपए तथा निशानदेही पर बैग, 02 अदद बिल बाउचर व अन्य कागजात बरामद। वाराणसी जनपद के थाना राजतालाब क्षेत्रांतर्गत कचनार डीह बाबा मंदिर के पास मसाला व्यवसायी के साथ उच्चागिरी के संबंध में थाना राजतालाब थाना पर अज्ञात मुकदमा पंजीकृत किया गया था। घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस उपायुक्त गोमती जोन व अपर पुलिस आयुक्त गोमती जोन द्वारा सहायक पुलिस आयुक्त राजतालाब के नेतृत्व में थाना राजतालाब को टीम गठित कर निर्देशित किया गया। शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन दृष्टि के तहत श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश व पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में लगाए गए कैमरों की मदद से अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त गोमती जोन व अपर पुलिस उपायुक्त गोमती जोन के पर्यवेक्षण में तथा सहायक पुलिस आयुक्त राजतालाब के कुशल नेतृत्व में थाना राजतालाब पुलिस टीम द्वारा निरंतर तलाश व दबिश दी जा रही थी कि मुखबिर सूचना पर बीरभानपुर नहर के पास से चोरी की घटना में शामिल अभियुक्त कार्तिक बालू नायडू, शिवा गायकवाड़, करण नायडू, प्रभाकर व संजय रजनी नायडू को गिरफ्तार कर कब्जे से चोरी के 6000 रुपए व निशानदेही पर धाकर बीर बाबा मंदिर के पास से चोरी गए बैग को उसमें रखे 2 बिल बाउचर व अन्य कागजात को बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी बरामदगी के संबंध में थाना राजतालाब पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में धारा 411 भारतीय दंड विधान की बढ़ोतरी कर जेल भेज दिया गया है। अभियुक्तगण से पूछताछ किया गया तो अभियुक्त शिवा गायकवाड़ ने बताया कि वह लोग अपने साथियों के साथ मिलकर आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु गिरोह बनाकर घूम घूम कर रेकी करके चोरी, टप्पेबाजी व छिनैती करते हैं। वह चारों मिलकर कई दिनों से राजतालाब के मसाला व्यापारी की रेकी कर रहे थे कि दिनांक 21 दिसंबर 2023 को उसके गोदाम के बगल में बाइक में रखे झोले को चुरा लिए तथा उनमें रखे 12000 रुपए चारों लोग मिलकर आपस में बांट लिए और झोले को हाईवे के किनारे छुपा दिए। मिले रुपयों को हम लोग खाने पीने में खर्च कर दिए। शेष बचे 6000 रुपए जो आप हम लोगों से बरामद किए हैं। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम उपनिरीक्षक रविकांत चौहान, उपनिरीक्षक प्रदीप कुमार पांडेय, कांस्टेबल चंचल सिंह, कांस्टेबल लालजीत सरोज, कांस्टेबल चालक सर्वजीत यादव शामिल रहे। ऑल इंडिया न्यूज 24x7 के लिए वाराणसी से अश्विनी चौहान की रिपोर्ट। पूछताछ के बाद में और के एंटीसीडेंट भी चेक किए जा रहे हैं, उसके बाद में ये एक्सक्यूज करने का प्रयास किया जा रहा है कि इनके द्वारा यहाँ पर वाराणसी जोन में कितनी वारदातें कार्य की गई हैं और इसके अलावा अपने स्टेट में क्या वारदात कार्य की।